पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका के लिए विजिट वीज़ा हासिल करने की रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी मिल जाती है। सबसे बढ़कर ये है कि कनाडा के लिए आपका वीज़ा लगना आसान हो जाता है। अगर आप अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि न्यूयॉर्क के साथ ही आगे मॉन्ट्रियल सिटी है, आप बाय ट्रेन बाय बस भी जा सकते हैं, तो कनाडा का वीज़ा लगना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप अमेरिका का वीज़ा लगवा लेते हैं तो बड़ी बात यह है कि जो बाल्कन कंट्रीज हैं, तकरीबन 6-7 कंट्रीज हैं, वो आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की इजाज़त दे देते हैं, जिनके अंदर बोस्निया, कोसोवो, सर्बिया, अल्बानिया, मॉन्टीनेग्रो जैसे कंट्रीज शामिल होते हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज जो वो हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपने अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लिया है तो आप हमारे कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो आप एटलीस्ट 1 टाइम अमेरिका का विजिट आपने किया हो, उसके बाद आप हमारे कंट्री में एंटर हो सकते हैं वीजा फ्री। इंतहाई आसान प्रोसेस है, सिर्फ आपने इंटरनेट से DS-160 फॉर्म डाउनलोड करना है। DS-160 फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो भी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी हुई है, आपका बायोडाटा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके एसेट वगैरह जो भी डिटेल है, आपने सिंपली डिटेल अपने हाथों से खुद फिल कर देनी है, उसको पुट कर देना है और सिंपली इसको आपने अपलोड कर देना है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ $160 का आपका अमेरिका का 5 साला विजिट वीज़ा है। जी हाँ, $160 का। लेकिन आपने जब केस सबमिट कर देना है उसके बाद आपने फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको अपॉइंटमेंट जो है 6 माह, 8 माह, 9 माह तक के ड्यूरेशन की मिलेगी, इतनी जल्दी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें तो कनाडा से अगर आपने अमेरिका आना हो तो आपको 14 माह की अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप अमेरिका के नेशनल है, आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, तो फिर आपका कनाडा के लिए वीज़ा फ्री होगा। एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ जल्दी अपॉइंटमेंट लेने का। आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में है या इंडिया में है, काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट ली होती है, उसमें से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, तो आप इन चीज़ों को चेक करने के बाद स्पेस बने तो अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, DS-160 फॉर्म आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन की होती है, आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। वीजा ऑफिसर की मर्जी है, वो आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकता है या हो सकता है चंद एक डॉक्यूमेंट आपके रिव्यू कर ले। आपने DS-160 फॉर्म एक तो खुद फिल करना है, दूसरा उसमें किसी किस्म का आपने झूठ नहीं बोलना, जो भी रियलिटी है, जो भी हकीकी चीज़ें हैं वो उसमें बयान करनी है। अगर वीजा ऑफिसर को जरा भी डाउट हो जाता है कि इस बंदे ने झूठ लिखा है, या आपका इंटरव्यू आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अगर होता है तो वो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करता, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपके लिए पूरी दुनिया में जाने की अपॉर्चुनिटी निकल आती है और आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ जाती है। अमेरिका जाने के बाद आप अगर वहां पे किसी कंपनी के थ्रू जॉब हासिल कर लेते हैं तो आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। 5 से 7 साल के अंदर आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप भी मिल जाती, उसके बाद आप मोर देन 150 कंट्रीज का वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। मजीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी मालूमात पहुंचे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।